किशोर जी, तारिक कर्रा जी, दादा शहीद जी, रमन भल्ला जी और वहां जो पुलिस वाले खड़े हैं, आपका भी यहां स्वागत है। मेरा परिवार दिल्ली में रहता है। दिल्ली से पहले मेरा परिवार इलाहाबाद में रहता है और इलाहाबाद से पहले मेरा परिवार यहां रहता है। तो मैं ये कह सकता हूं, ज्यादा समय में यहां नहीं आया, मगर मैं ये कह सकता हूं कि मैं आपको थोड़ा सा, मेरे परिवार के लोगों ने भी झेलम का पानी पिया होगा। आपके जो कस्टम्स हैं, आपकी जो सोच है, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं, वो थोड़ी सी मेरे अंदर भी है। मुझे लगता है कि मैं वापस आ रहा हूं घर। आ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रजनी जी ने कहा कि इस स्टेट में इतनी लोकसभाएं नहीं है, बड़ा स्टेट नहीं है, बड़ा स्टेट नहीं था, अभी तो स्टेट ही नहीं है। सही बात। मगर जम्मू कश्मीर की बढ़पन जो है, जो स्ट्रेंथ है, वो आपका जो भाईचारा है, जीने का तरीका है, एक दूसरे को इज्जत से, प्यार से देखने का तरीका, वो आपकी स्ट्रेंथ है और उसका फाउंडेशन, उसकी नींव में कश्मीरियत भी है। और मैं ये भी समझता हूं, क्योंकि ये भावना मेरे अंदर भी है, जो आप मुझसे प्यार से और इज्जत से करवा सकते हो, वो नफरत से और हिंसा से आप कभी नहीं करवा सकते। और वो ही कश्मीरियत है। आपने जम्मू कश्मीर के लोगों से प्यार से बात की, इज्जत से बात की, आप गले लगे, तो जो भी आप काम करवाना चाहते हो कर सकते हो। मगर अगर आपने जम्मू कश्मीर को नफरत दिखाई, हिंसा दिखाई, इज्जत नहीं दिखाई, तो जो आप प्यार से निकाल सकते हो, आप नफरत और हिंसा से नहीं निकाल। सिर्फ जम्मू और कश्मीर पर आक्रमण नहीं हो रहा है, आज आक्रमण पूरे हिंदुस्तान पर हो रहा है। गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि पार्लियामेंट में हमें उठाना चाहिए, मगर पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं देते, पार्लियामेंट में हमें दबा देते, पार्लियामेंट में मैं पेगासस के बारे में, राफेल के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, बेरोजगारी के बारे में नहीं बोल सकता, और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशन पर ये लोग आक्रमण कर रहे हैं। जुडिशरी पे आक्रमण कर रहे हैं, विधानसभा लोकसभाओं पे, राज्यसभा पे आक्रमण कर रहे हैं। मैंने कहा कि हमारे प्रेस के मित्र हैं,
मगर जो सच्चाई इनको लिखनी चाहिए ये नहीं लिखते हैं। इनको दबाया जाता है, धमकाया जाता है, पूरे हिंदुस्तान में ये डरे हुए हैं, पता नहीं कुछ लिख देंगे नौकरी चली जाएगी। तो मित्रों तो कहता हूं, मगर जो इनकी जिम्मेदारी है उसको ये पूरा नहीं करते। तो ये पूरे देश पर आक्रमण, जम्मू कश्मीर पर, तमिलनाडु पर, बंगाल पर, हिंदुस्तान का जो कॉन्सेप्ट है, लोकतांत्रिक जो हमारा ढांचा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर आक्रमण चल रहा है। बाकी हिंदुस्तान पे इनडायरेक्ट, जम्मू कश्मीर पे डायरेक्ट। और हमने जो गुलाम नबी आजाद जी ने, बाकी नेताओं ने कहा है, हमने अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर की। जब हमारी सरकार थी, हमने बहुत कोशिश की उसको छोड़ पाने की। और मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को दुख हुआ है, दर्द हुआ है, मगर मैं आपको यहां मेन मैसेज ये देना चाहता हूं कि मैं आपके साथ इज्जत का रिश्ता, प्यार का रिश्ता चाहता हूं। मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ता हूं और हम लड़ेंगे, और नरेंद्र मोदी को और जो उनकी विचारधारा, हिंदुस्तान को बांटने की विचारधारा, हिंदुस्तान को तोड़ने की विचारधारा, हिंसा की विचारधारा, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और उनको हम हराएंगे। क्योंकि ये हमारे देश का कल्चर, ये सिर्फ जम्मू और कश्मीर का कल्चर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का कल्चर है। मगर मेरा मैसेज आपको ये है कि मैं यहां इज्जत और प्यार लेके आया हूं, और मैं ये चाहता हूं कि जो जम्मू और कश्मीर का स्टेटूड है वो जल्दी से जल्दी आपको वापस मिले, और जो लोकतंत्र प्रोसेस है वो फिर से चालू हो। मेरा प्लान, यहां हमारे जम्मू के भी लोग बैठे हैं, अभी मैं श्रीनगर आया हूं, मगर मेरे और दो दौरे भी लगेंगे, एक जम्मू का लगेगा और उसके बाद लद्दाख का लगेगा। तो ये मेरा मैसेज था। ये जो हमारा ऑफिस अभी बना है, ये एक नई शुरुआत है, और आप हमारी सेना, आपके दिल में, देखिए हमारे बीच में, हम में और बाकी पार्टी में, और डर के खिलाफ में लड़ना, जहां भी मैं जाता हूं, मेरी लड़ाई नफरत से होती है। तो हम में और बाकी पार्टी में क्या फर्क है, हम किसी से नफरत नहीं करते, हम किसी पर हिंसा का प्रयोग नहीं करते, हम तमीज से बात करते हैं, हम प्यार से काम करते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी जो है, ये प्यार की सेना है, बहुत अच्छा, अहिंसा की सेना है। और मैं आपको आज बधाई देना चाहता हूं कि आपका बहुत समय बाद ये ऑफिस खुल रहा है। मैं आपको कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूं। मैंने पहले आने की कोशिश की थी, कोविड से पहले भी मैंने आने की कोशिश की थी, मगर मुझे एयरपोर्ट में रोक दिया था, एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया था। और मैं आज आया हूं और जल्दी मैं वापस आऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।